बेसिकली चीज है यूथ को गवर्नमेंट आगे नहीं लाई अभी तक, तो ऊपर वाली क्रीम जो है वो सब टेंडर पास करवा लेती है और हम तक तो वो पता भी नहीं लगता कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग जलील हो रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट है क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो है वो दिया जाता है एजुकेशन अबाउट द थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क हमारा बहुत कम होता है। कितने स्टूडेंट जो इंटर्नशिप नहीं करते, सिर्फ जाके लेटर बनवा के लेके आते हैं। अगर वो बंदा इंटर्नशिप कर लेगा तो उसके लिए बेटर नहीं, क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा? फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को लेना, सेकंड स्टेप हम यूथ जो है वो फुल रेडी बैठी हुई है कि भाई हमें मौका मिले हम काम करें। आप स्टडी कर रहे हैं? जी स्टडी कर। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सीएस में मास्टर्स कर रहा हूं, एमसीएस। आप क्या समझते हैं कि यूथ का पाकिस्तान में क्या किरदार है? आप जैसे स्टूडेंट का पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार है? तो देखिए, हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ती है, क्रिएट करने के लिए भी कोई आपको गाइड करना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए यूथ के लिए। स्टूडेंट आपको भी गाइड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट है क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो है वो दिया जाता है एजुकेशन अबाउट द थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क हमारा बहुत कम होता है, कह लें 10% प्रैक्टिकल। वो भाई बता रहे थे कि हर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप दी जाती है लेकिन लोग स्टूडेंट करते नहीं, उनका अपना कसूर है। एक्चुअली होता ही है कि हमारे पास फैमिली प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जो है वो कहते हैं आप फॉरन ही कमाना शुरू कर दें आप डिग्री लेके, तो स्टूडेंट बेचारा क्या करे, मतलब वो जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उसके घर वाले उम्मीदें लगाते हैं, वो 60-70 हज़ार रुपये घर लेके आए और घर जो है वो इस्टेब्लिश करे अपना, तो वो भी एक गलत चीज़ है। आपको मतलब कि वालदेन का प्रेशर नहीं होना चाहिए? वालदेन को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को कि वो जो है मतलब अगर कुछ अपनी फील्ड में करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनको कम से कम 6 to 8 months देने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाएं। पाकिस्तान की तरक्की में यूथ का क्या किरदार है और क्या समझते हैं कि आइंदा सालों में क्या यूथ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है पाकिस्तान? देखें, अगर यूथ इसलिए ज़्यादा वो है, इन पर फोकस इसलिए करना चाहिए कि एक तो जब ये कमाना शुरू करेंगे डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक आपको नोन मिलेगी, यानी जैसे हम मेरी फील्ड जो है सॉफ्टवेयर, आपको पता है मोस्टली यहाँ पे नहीं है इनके जो हेड ऑफिस वगैरह हैं, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया बहुत आगे है आईटी ट्रेड में, तो मोस्टली जो वहाँ पे सीईओज लगे हुए हैं बड़े बड़े कंपनीज़ के वो इंडियंस हैं, तो वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और सपोर्ट करे हमारे जो है लोगों को। आपका कहना है कि गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही? गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती भी है तो वो एक लिमिटेड सा कोटा होता है, ठीक है, कि हर किसी बंदे को पता भी नहीं चलता। आपको पता है एक टेंडर जब निकलता है तो ऊपर वाली क्रीम जो है वो सब टेंडर पास करवा लेती है और हम तक तो वो पता भी नहीं लगता कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। क्या समझते हैं किसका कसूर है? नून लीग का जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं? इसमें किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसमें कसूर जो है वो हमारे जो उन्होंने जो हायर किए हुए जब जो मतलब कि इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उनका कसूर मैं कहता हूँ। डिपार्टमेंट को ठीक करना तो गवर्नमेंट का काम था, इन्होंने क्यों ठीक नहीं किया? आपको पता है कि जैसी आवाम होती है तो उन पे उसी तरह के हुक्मरान भी होते हैं। जो खान साहब तो, के अभी तक पॉलिसी हैं यूथ के हवाले से उसे एग्री करते हैं? एक्चुअली मैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब अगर मुझे ऑफर होती है तो मेरा सबसे एक साल तक मैं उस पर जो है फोकस रहूँगा, एक साल बाद मुझे पता है कि सैलरी भी मिल जानी है, गाड़ी भी मिल जानी है, घर भी मिल जाना है, मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये है कि आप खान साहब की अभी तक जो यूथ के हवाले से पॉलिसीज हैं उसको एग्री करते हैं, ठीक जा रहा है? अभी तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, अभी क्योंकि पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, हमें तो नहीं पता। मांडा ने लॉन्च किया कामयाब नौजवान प्रोग्राम, मेरा ख्याल है वो सिर्फ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की हद तक है, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी तो अभी तक कोई नहीं किसी को अवेल हुई अभी तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मजीद यहाँ पे स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जो यूथ है, मराहा साहब अपने जलसों धरनों में कह चुके हैं कि जो यूथ है जो है सरमाया पाकिस्तान का, ठीक है, तो क्या समझते हैं कि यूथ का क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है ना कि यूथ को मौका मिलना चाहिए, जो खान साहब जैसा कि बोला था कि जब इलेक्शन से पहले भी नई क़यादत को हम आगे लाएंगे। आप देखें इधर हमारे सियालकोट में या डस्का में, आप देख लें सम्बरियाल में देख लें, कोई नई क़यादत आई है? जो हमारे MNA MP हैं उस्मान डार साहब, उस्मान डार साहब कब से लगे हुए हैं इलेक्शन में? है तो यूथ में ही है ना, यंग ही हैं अभी। हाँ, ये भी यंग है, चलो यंग ही गिन लो। इधर आप चल जाएँ, हाँ डस्का की साइड पर अजद मलिक को मिल रही थी, वो उस्मान वहाँ पे भी था एक, हालांकि यूथ में वो भी आ जाता है, उसको नहीं मिली सीट। सम्बरियाल में चल जाएं, बेसिकली चीज़ है यूथ को गवर्नमेंट आगे नहीं लाई अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट सिर्फ कह रही है, फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट लेगी, स्टूडेंट है अभी तक, स्टूडेंट स्टडी करता है निकलता जा रहा है यहाँ से,
एक यूनिवर्सिटी नहीं, इधर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं स्टडी अपनी कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग जलील हो रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, नज़र आता है ना सबको। मगर ये चीज़ है कि अगर जॉब को हम निकाल देंगे ना जहन से, अपना बिज़नेस, वो आगे भी भाई ने बात किया कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप फिर से वही बात कि बिज़नेस ठप है, फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को लेना है, फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को लेना है। सेकंड स्टेप हम यूथ जो है वो फुल रेडी बैठी हुई है कि भाई हमें मौका मिले हम काम करें। एफिशिएंट लोग भी नहीं तो नहीं मिलते, एफिशिएंट लोग कहां से आए? देखें एवरीवन पर्सन जो है वो एफिशिएंट। आप क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर्स इन कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ना कि सब ये स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए एक छोटा सा मकूला है, ठीक है, कोटेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। जब तक हम स्टडी कर रहे हैं हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रैक्टिस करेंगे कोई ना कोई काम में जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे। लेकिन कनाडा डेवलप कंट्री में आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द स्टडी वो बंदे को कर रहे होते हैं डेवलप कर रहे हैं। एक और चीज़ बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, आपको एक सेमेस्टर में इंटर्नशिप बकायदा मिलती। कितने स्टूडेंट जो इंटर्नशिप नहीं करते, सिर्फ जाके लेटर बनवा के लेके आते हैं। अगर वो बंदा इंटर्नशिप कर लेगा तो उसके लिए बेटर नहीं, क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा? आपका मतलब है कि इंटर्नशिप दे रहे हैं यूनिवर्सिटी? इंटर्नशिप देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, बकायदा एक सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो बकायदा अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर लीगली आप 2 से 3 माह किसी चीज़ को सीखें, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, सारी बात है। हमारे टोटली फर्म्स हैं, हर बंदा इंटर्नशिप दे रहा है, कोई ऐसी फर्म नहीं जो इंटर्नशिप में आपको बिठाती ना हो, बैंक्स इंटर्नशिप में आपको बिठाते हैं। आपका कहना है कि स्टूडेंट का अपना कसूर है वो इंटर्नशिप? अपना कसूर है, यूथ जो क़यादत है ना उसका अपना भी खुताई है। मगर फिर से वही बात कि फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने उठाना है, सेकंड स्टेप के लिए आवाम चलेगी, हर बंदा नहीं चलेगा। मगर अनएम्प्लॉयमेंट हम 50% भी ना कम कर सकेंगे। जो खान साहब की अभी तक पॉलिसीज हैं यूथ के हवाले से, उससे एग्री करते हैं? अभी तक पॉलिसीज जो कई हैं उससे एग्री करते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उससे हम टोटली। कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो लॉन्च किया है समांडर साहब ने, उसका मुझे काइंडली थोड़ा लोन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को लोन दे रहे हैं, उसके अबाउट मुझे ज़रा भी इन्फो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उस चीज़ के अभी रीड आउट नहीं किया, मैं उसके अबाउट कुछ कमेंट नहीं दे सकता। तो आपने बताया है, पता चला है, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को देखूँगा। और दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट अगर लोन ले भी लेता है तो पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही है। हाँ पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आ रही। क्या पैगाम देंगे खान साहब को? खान साहब को पैगाम यही देंगे कि यार खान साहब खुद अकेला बंदा कोशिश करता है, कम से कम उनके जो 7 लोग हैं ना उनको उन्हें चाहिए कि चेंज करें, उनके 7 जो लोग हैं उनको चेंज करें। जहांगीर तरीन, एक शाह महमूद कुरैशी, जानते हैं सब ना, जहांगीर तो वैसे भी ना हलवा हुआ है ना जहांगीर तरीन जो है, मगर टोटली 7 हैं। इनको चोर कहा जाता था, ये जो साइकिल वाले थे काफ लीग, उन पंजाब असम्बली का स्पीकर वो बैठा हुआ है, ये क्या चीज़ है? लेकिन ईमानदार भी लोग कहाँ से लाए वो? यही तो चीज़ है, जो नौजवान क़यादत है उनमें से आप सर्च आउट करें, एकदम से चेंज नहीं आना मगर बारी बारी हटाते जाएं ना। अब वक्त 1.5 साल हो गया इस वक्त, कम से कम कोई थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी सी प्रोग्रेस। वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह चेंज आएगा, कोशिश कर रहे कह रहे हैं ना, आवाम देखती है, जो वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, हमें दिख रहा है जारी बारा दिख रहा है। उनकी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल की है, मगर जो टारगेट था टैक्स हमारा, जो हमारी जीडीपी का टारगेट था, जनरल ग्रोथ जो थी हमारी, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं, अचीव क्यों नहीं कर सके? वो इस पर अभी पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, तो आस्ता आस्ता पॉलिसी रिजल्ट बाद में निकले। टैक्स है ना, आप एक रजिस्ट्री करवाते थे ना, रजिस्ट्री करवाते थे, 1 लाख के पीछे 5,000 होता था उसका रजिस्ट्री का, आपने टैक्स पे करना है। अब वो फर्द भी रीजनल निकलता है, ठीक है ना, वो 7,000 आपने 1 लाख के पीछे टैक्स देना है, जो हो गया है इंक्रीज़ हुआ है ना, हम दे रहे हैं, लोग रोक तो नहीं है, लोगों ने दे रही है आवाम, मगर फिर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, फिर क्या मसला? ठीक है, तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।